बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि सामान्य रूप से अलग अलग राशि के लोगों के लिए सितंबर का महीना कैसा जाने की संभावना बनती है। देखिए, सामान्यतः मंगलवार के दिन जमीन खोदने का और घर बनवाने की शुरुआत करना मना होता है। यानी मंगलवार के दिन जमीन खोदने से और गृह निर्माण का आरंभ करने से बचना चाहिए, नहीं तो जिस काम की शुरुआत आप करने जा रहे हैं उस कार्य में बाधा आ सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, सितंबर महीने की शुरुआत हो रही है वृषभ लग्न में। इस दिन चंद्रदेव मिथुन राशि में विद्यमान रहेंगे। सूर्य, मंगल और बृहस्पति का संबंध बना रहेगा। इस महीने भी बृहस्पति और शनिदेव वक्री रहेंगे और ये महीना देश दुनिया के स्तर पर बहुत सारे बड़े बदलावों का महीना होगा और इस महीने में युद्ध जैसी, विवाद जैसी, आंतरिक गड़बड़ियों जैसी संभावना भी बनेगी। अब जानते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए सितंबर के महीने की मुख्य बात क्या है। देखिए, अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। हालांकि महीने की शुरुआत में आपको अपने वैवाहिक जीवन का, अपने मैरिटल लाइफ का ध्यान देना होगा। वृषभ राशि, सितंबर के महीने में आपको धन और संपत्ति का बेहतरीन फायदा होता दिख रहा है और इस समय आप करियर में कोई नई शुरुआत, कोई नई स्टार्टिंग भी कर सकते हैं। मिथुन राशि, सितंबर के महीने में आपको अपनी मानसिक स्थिति का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हालांकि धन की जो स्थिति है, पैसा आने की जो स्थिति है, वो संतोषजनक बनी रहेगी। अब सितंबर के महीने में कर्क राशि वालों का हाल क्या है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में प्रेम और विवाह की उत्तम संभावनाएं बनेंगी, लेकिन करियर में थोड़ी सी दिक्कतें इस महीने आपके लिए दिख रही हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। सिंह राशि, सितंबर के महीने में बड़े काम की शुरुआत मत करिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। हालांकि धन की स्थिति, परिवार की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर संतोषजनक और अच्छी बनी रहेगी। कन्या राशि, सितंबर के महीने में धन, समृद्धि और वैभव की वर्षा होगी, लेकिन अपने और संतान के स्वास्थ्य का आपको इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए सितंबर महीने में क्या विशेष है। तुला राशि वालों को सितंबर के महीने में विदेश यात्रा का और विदेश से लाभ का योग बन सकता है, लेकिन इस महीने में स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर और जीवन की रुकावटें इस महीने में दूर जरूर होंगी, लेकिन आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी से, किसी भी तरह के निर्णयों में जल्दबाजी से आपको बचना होगा। धनु राशि, इस महीने में आपके करियर में बड़े और लाभदायक परिवर्तन होंगे और इस महीने में यात्राओं के मामले में और वाहन चलाने के मामले में थोड़ी सावधानी रखिएगा। जो बड़े परिवर्तन होंगे उन्हें स्वीकार कर लेना ही कुल मिलाकर आपके लिए ठीक रहेगा। अब जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए सितंबर महीने में क्या खास है। मकर राशि वालों की सितंबर महीने में करियर और धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी,
लेकिन मकर वालों को इस महीने में पेट की समस्या से और दुर्घटनाओं से बचना होगा। कुंभ राशि, सितंबर के महीने में आकस्मिक बड़े लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन काम की अधिकता रहेगी, बहुत व्यस्तता रहेगी, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं इस महीने में आपकी दूर होंगी और इस महीने में आपके नए रास्ते खुलेंगे। इस महीने आपको करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है, उसके लिए तैयार रहिए। तो आज हमने बात की अलग अलग राशि के लोगों के लिए सितंबर के महीने में लाभ और हानि की संभावनाएं क्या हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। सितंबर के महीने को अच्छा बनाने के लिए, इस महीने में लाभ लेने के लिए क्या करें? पहला काम करें, रोज सुबह और शाम भगवान कृष्ण की उपासना करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें। और चूंकि ये मंत्र जपेंगे, इसलिए सात्विक आहार ग्रहण करें, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन इस महीने में ना करें।